नमस्ते भाई, क्या आपकी कुंडली में पितृ दोष है या लोगों ने बताया है कि आपके पितृ नाराज हैं, रुष्ट हैं और आपने उसका कोई उपाय नहीं किया, पूजा नहीं, क्यों नहीं की? जान लीजिए, अगर पितृ दोष है तो कोई भी सुख आपको नहीं मिलेगा। भगवान भी एक रुपया, एक घड़ी, एक क्षण, एक पल सुख देते हैं तो पहले पितरों की गाइडलाइंस में। अगर वो आपसे खुश हैं तो आपको सब चीज मिल जाएगी, अगर नहीं है, आपसे रुष्ट हैं, तो आपको सुख मिलने वाला नहीं, समस्या बढ़ जाएंगी, घर में कलेश रहेगा, शादी संबंध नहीं होंगे, मंगल कार्य रुक जाएंगे, आपकी जॉब नौकरी सब बेकार हो जाएगी, कर्ज की स्थिति बन जाएगी और व्यापार बंद हो जाएगा, जगह जगह संबंध खराब होंगे, ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, मानसिक उच्चाटन हो जाएगा, मन नहीं लगेगा। लड़की का संबंध अगर हो गया है तो उसे ससुराल में दिक्कत आएगी, वहां तलाक की स्थिति होगी। घर में जितने भी आपके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सब विचलित रहेंगे, शिक्षा दूर भग जाएगी और कोर्ट केस बढ़ने लगेंगे, सुसाइड का नंबर आ जाएगा, जगह जगह एक्सीडेंट की घटना होंगी, अनाधिकार लोगों से द्वेष, जलन, लड़ाइयां होने लगेंगी। ऐसा होगा, आपको लगेगा कुछ हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन किया नहीं, वो आपने खुद किया है पितरों की पूजा ना करके। जीवन को बदलना चाहते हैं, हर सुख अगर चाहते हैं, व्यापार से लेकर के, संतान से लेकर के, कोर्ट केस से लेकर के, कर्ज से लेकर के, घर में माहौल चेंज से लेकर के, या मंगल कार्य को लेकर के, अपनी पुत्री को और बहन को सुखी देखना चाहते हैं, अपने पुत्रों के लिए अच्छा चाहते हैं और अपने जीवन को अच्छा चाहते हैं, तो पितरों की पूजा अवश्य। पितृ दोष अगर है, पितृ रुष्ट हैं, निश्चित 100% पॉजिटिव कर लीजिए, यही समय चल रहा है। पूरे प्रतिवर्ष में दो ही समय ऐसे हैं जहां पितरों की कालसर्प दोष की, नवग्रह पीड़ा की या किए कराएगी, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन 100% लाभकारी होता है, सिर्फ श्रावण मास, भगवान महादेव की कृपा से, जो देवों के देव महादेव हैं, पिता के पिता, परम पिता, जगदीश्वर, सभी शक्तियां उनके अधीन हैं, तीनों काल, भूत, भविष्य, वर्तमान उन्हीं के इशारे पर चलते हैं, अपने अधीन रखा हुआ है, सृष्टि को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, वही महादेव हैं, जो भाग्य को लिखते हैं वो देव हैं, आपके भाग्य को बदलने का काम करते हैं वो महादेव, बदल लीजिए। पितरों की कृपा के वैसे भी दो ही समय हैं, पितृपक्ष, अमावस्या और श्रावण, इसमें भी मल मास, अधिक मास है, दो श्रावण, जो आज से प्रारंभ है 18 जुलाई से, बहुत विशेष है। देखिएगा, जीवन में तहलका अगर मचाना है, दुखों से छूटना है, तो पितरों को मनाना पड़ेगा, बिना पितरों की कृपा के ईश्वरी कृपा, देवी कृपा नहीं मिलती, ये भ्रम है, लोग कहते हैं कि नहीं, पितरों को क्या करोगे पूज के, कुल देवता को क्या करोगे, वही वो लोग हैं जो रोते समय आंसू नहीं निकलते, रोते हैं, दिखा भी नहीं सकते, इस कष्टमयी जिंदगी को विदा कर दीजिए, सच मानिए। काफी लंबे समय से अगर पूजा नहीं करा पाए हैं तो कराइए, आपको मालूम नहीं है समस्याएं चल रही है तो आवाज स्कैन कराइए या किसी योग्य विद्वान, ज्योतिषी, आचार्य, ब्राह्मण के द्वारा गाइडलाइंस में काम करिएगा इसे, सच मानिए, कैसे जीवन का बदलाव होगा आप खुद नहीं जान पाएंगे, इतनी समस्याओं के बाद में तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा हर समस्या का। बने रहिए, देखते रहिए शिवतंत्र ज्योतिष इंडिया और आपका अपना दूसरा चैनल त्रिकाल शिवलिंग। नमस्ते भाई।